हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जाएंगे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी घूमने, जो भरूच के पास केवड़िया में गुजरात राज्य में स्थित है। मेरे पिछले वीडियोस में आपने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की वर्ल्ड की सबसे ऊंची प्रतिमा देखी थी और गैलरी देखी थी। साथ में आपने बहुत ही खूबसूरत वैली ऑफ फ्लावर्स का गार्डन भी देखा था। दोस्तों, आज हम जाएंगे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में यूनिटी ग्लो गार्डन देखने, जो स्टेच्यू से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, यूनिटी ग्लो गार्डन वैली ऑफ फ्लावर्स के बिल्कुल पास में ही है। आप वैली ऑफ फ्लावर्स घूमने के बाद यूनिटी ग्लो गार्डन देख सकते हैं, लेकिन यूनिटी ग्लो गार्डन देखने का मजा रात में ही है, इसलिए आप स्टेच्यू का लेजर शो देखने के बाद यूनिटी ग्लो गार्डन देखने आ सकते हैं। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में सभी प्लेस तक पहुंचने के लिए आपको फ्री बस सर्विस मिलेगी। वैसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने मेरे पिछले वीडियोज में दे दी है। आपको सभी वीडियोज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेजर शो देख के हम जा रहे हैं यूनिटी ग्लो गार्डन। जाते जाते हम सरदार सरोवर डैम की साउंड और लाइट शो देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये डैम। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा डैम है। इस डैम के टोटल 23 गेट है। नर्मदा नदी पर बना ये डैम की ऊंचाई 138 मीटर है और लंबाई 1210 मीटर है। ये बहुत ही विशाल डैम है। आगे जाएंगे हम यूनिटी ग्लो गार्डन की तरफ। इसका एंट्रेंस बहुत ही खूबसूरत है। पूरा रास्ता लाइटिंग से सजाया हुआ है। हम आ गए हैं यूनिटी ग्लो गार्डन में। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ये गार्डन। ये गार्डन पूरा 2 एकड़ जगह में बनाया हुआ है। यहाँ पर एलईडी लाइट्स की थीम में नाइट टूरिज्म डेवलप करने के लिए आर्टिफिशियल गार्डन तैयार किया गया है, जिसमें रोज फ्लावर्स, सन फ्लावर्स, लोटस, कलरफुल ट्री, साथ साथ रैबिट, डियर, हॉर्स जैसे एनिमल और एलईडी लाइट से सजाया हुआ बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन भी आप देख सकते हैं। ये सभी फ्लावर्स और एनिमल प्लास्टिक के बनाए हुए हैं। वैसे तो ये गार्डन सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक खुला रहता है, लेकिन यूनिटी ग्लो गार्डन दिन में इतना खूबसूरत नहीं दिखता जितना रात में दिखता। इस गार्डन में तकरीबन 35 लैक्स एलईडी लाइट्स लगाई गई है। इवनिंग में यहाँ म्यूजिक स्टार्ट होता है। आप यहाँ डांस फ्लोर पे डांस भी कर सकते हैं। बच्चे यहाँ काफी एंजॉय कर सकते हैं। यूनिटी ग्लो गार्डन नाम की तरह बहुत ही ग्लो कर रहा है। यहाँ आप दिन में स्टेच्यू और दूसरे प्लेस देखने के बाद इवनिंग में ही आए, तभी आप यूनिटी ग्लो गार्डन का मजा ले सकते हैं और ब्यूटी देख सकते हैं।
तकरीबन 1 घंटे में आप यूनिटी ग्लो गार्डन घूम लेंगे। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, आप यहाँ जरूर आइए। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में पूरा दिन घूमने के बाद इवनिंग में जब आप यहाँ आएंगे तो आप बहुत ही रिलैक्स महसूस करेंगे। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का पूरा परिसर तकरीबन 3 करोड़ एलईडी लाइट से सजाया हुआ है। ना सिर्फ यूनिटी ग्लो गार्डन बल्कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में एकता नगर के पूरे रोड को भी एलईडी लाइट से सजाया हुआ है। रात के अंधेरे में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा चमकती हुई दिखाई देती है। यहाँ इवनिंग का नजारा बहुत ही खूबसूरत है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के और कई ब्यूटीफुल प्लेस जैसे जंगल सफारी पार्क, बर्ड पार्क आप मेरे आगे के वीडियो में देख सकते हैं। तो आज आपको मेरा ये यूनिटी ग्लो गार्डन का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर लिखिए और मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।